उससे बड़ा पद मुख्यमंत्री कभी नहीं। उनके क्षेत्र की सड़कों की हालत देखिए आप, यहाँ पैदल नहीं जा सकते छोटे छोटे बच्चे। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। तो इनको अन्याय अत्याचार करने वालों को और जनता की दुर्दशा करने वालों को अपनी सबक सिखाओ, ये सबक सिखाओ आप लोग। जो लोग सड़क नहीं बना पाए, नाले आप पीछे में निकलने मजबूर कर रहे हैं, उनको अपनी निकलने मजबूर करो। जब वोट मांग रहा हो तो मुझे इसी पर निकल के दिखा सकते हो। अपनी साइकिल वाली सरकार बनाओ, दो महीने के अंदर यहाँ से लेकर वहाँ तक का पक्की डायमंड सड़क हम विधायक बनाओ समाजवादी पार्टी का। समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं, जिन्होंने अन्नदाताओं पर गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतारा है उस भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से अलग नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता किसानों के रहनुमा आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं बना लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम अपनी हथेली पर अन्नदाताओं का उगाया हुआ गेहूं लेकर अन्न संकल्प लेते हैं। भाजपा भगाएंगे अखिलेश यादव जी की सरकार लाएंगे अत्याचार करने वालों को जेल भेजेंगे। शहीद किसानों की आत्माओं को शांति मिले। हमारी सद्भावना शहीद किसान परिवारों के साथ है। ईश्वर उन परिवारों की मदद करे। 22 में 22 किल की सरकार बने और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन परिवारों के लोग शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में मदद कर सके। जय अन्नदाता, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। शहीद किसान अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे।